हेलो ऑफिसर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी जो तैयारी वो बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो देखो, आज की इस वीडियो में अपन ना सेवन्थ और एट्थ मॉक करेंगे। सेक्शनल मॉक की जो अपनी सीरीज चल रही है आरबी असिस्टेंट के, उसमें सेवन्थ और एट्थ मॉक इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जल्दी जो है, जैसे ये थोड़ा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में जो है अपन आरबी ग्रेड बी के लिए भी जो है स्टार्ट कर देंगे सेम सीरीज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। सेवन थ्री जा, ठीक है, थ्री इंटू 27 कितना, सॉरी 3 × 37 कितना होगा, 111। अब 111 में ये मुझे ऐड करना है, तो देखो 9 ना इसमें ऐड करो, पहले 9 ऐड करो, कितना बन गया 120। 120 में 70 और ऐड करेंगे, बचा हुआ जो 70 वो करेंगे, तो 190। 190 को 38 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 5। पूरा पूरा कंप्लीटली 5 टाइम जो है ये डिवाइड हो जाएगा, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो 7 से 8 से डिवाइड करेंगे 70। 70 × 3 210। अच्छा, इसमें से माइनस कर दो कितना होगा, 180। अच्छा, यहाँ पर देखो इसका 20%, तो ये इसका 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 225 का, तो ये आ जाएगा 45, ठीक है ना। तो 45 ही हो गया कंप्लीट, इसको ऐड करेंगे तो 225 और इसकी स्क्वायर रूट कितनी होगी, 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई भी करना है और साथ में इसकी स्क्वायर रूट करनी है। तो अब ना यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, इनके और टुकड़े कर देंगे, इनके टुकड़े कर देंगे, इसके भी टुकड़े कर लेता हूँ मैं, इधर वाले के भी। तो देखो इसको 11 × 12 लिख सकता हूँ मैं, है ना। और मुझे देखो, मुझे पता है कि 12 को भी मैं 4 × 3 लिख सकता हूँ, है कि नहीं है। तो और इसके बाद में 11 and 11 × 3 ये वाला एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसका पेयर बन गया, और 2 इससे अपन 2 निकाल देंगे, इससे अपन 3 निकाल देंगे, ठीक है। तो ये अपना ओवरऑल जो है निकला रिजल्ट, तो इसको मल्टीप्लाई करो तीनों को, कितना होगा 33 और 66, तो 66 जो है यहाँ से अपन ने निकाल लिया, ठीक है। अब ये देखो, मैंने एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है, बाकी ऐसे करना नहीं है, ठीक है। जल्दी से माइंड में ही जितना ज़्यादा उसके कर लेंगे, ठीक है। तो 66 निकल गया, 66 में देखो 4 ऐड करो पहले, 70 में 140 ऐड करेंगे तो 210, ठीक है। अब 210 जो है इसका कितना परसेंट है ये पूछा क्वेश्चन ने, तो इसका देखो अप्रॉक्सीमेट, देखो आप इस 5 को ध्यान में रखो आप थोड़ा, और यहाँ पे 21 से को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 21 के आसपास का कोई नंबर बन जाए, 4 से, ठीक है ना, 5 × 4 = 20। तो मुझे आइडिया लग गया कि ये 40% के समथिंग ही कोई नंबर होगा, ठीक है। तो देखो, यदि ऑप्शन में 40% दिया हुआ है, 50% दिया हुआ है, 60% दिया हुआ, तो 40 को टिक करके आगे निकल जाओ, ठीक है। और वैसे भी देखो ये 40 ही है इसका, ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली 210 बनेगा, ठीक है। तो 2100 बनेगा, ठीक है ना, तो इसका यही आएगा। तो चलिए देखते हैं आगे, देखो इसमें क्या है, यहाँ पर ना एक काम कर सकते हैं अपन, पहले इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा 160, ठीक है। और 16 से जब इसको डिवाइड करेंगे 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 63 और इक्वल में ये है, तो यहाँ पर 63 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 630 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें पहले इसको माइनस करना है, माइनस करने से कितना आएगा, 5 and ये हो जाएगा 256, यानी कि ये हो गया 16। अच्छा, अगले वाले में देखो, ये माइनस करेंगे तो 5 and यहाँ पर हो जाएगा 2 and 6, ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ गया 25। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको देखो 4 टाइम कर दो, इसको 4 गुना कर दिया, इसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 400 आ जाएगा इसका, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 400 को 20 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 20। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें 75% निकालना, पहले इसका 1/3 कर लेते हैं, ठीक है, 1/3 करेंगे तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 240 का 45% निकालना। अब देखो 240 का 45% मैं ऐसे नहीं निकालूंगा नॉर्मल तरीके से, इसका क्या करेंगे डबल 90, इसका करेंगे हाफ 120, इसका 90%, 12 × 9 करो कितना हो गया 108, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिख रखा है इन दोनों को ऐड करना है, अच्छा इसको करना, इसको भी ऐड करना है, ठीक है। तो ऐसे करते पहले टुकड़ों में ऐड कर लेते, देखो इन दोनों को ऐड करते पहले, तो 2 × 40 और 4 and 136 और इसमें ऐड करेंगे, तो पहले 6 ऐड कर दो, इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 250, 250 में 13, 130 और ऐड करेंगे तो 380, ठीक है 250 तो था ही और इसमें 130 और अपन ने ऐड कर दिया। अब आगे देखो क्या हो गया, क्या होगा, सॉरी इसमें जो है, अब हमको इसे 4 से डिवाइड करना है, तो देखो अब 40 से डिवाइड करना है, ठीक है ना, तो अपन 40 से डिवाइड करने के लिए पहले इसका आधा कर देंगे और इसका भी आधा कर देंगे, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे, देखो आगे क्या है, इसका हमें 15% 15 का इतना परसेंट निकालना है। देखो अब इतना परसेंट कैसे निकालेंगे, देखो इसका क्या है, अपन ऐसे कर लेते हैं कि आपके पास इसको करने के ना दो तरीके हैं, इसको करने के दो तरीके क्या क्या है, देखो पहला तरीका तो ये है कि आप 15 का
100 प्लस 60% निकालो, 15 का 100% कितना होगा, 15 खुद ही होगा, और 15 का 60% कितना होगा, 9, 15 6 जा 90, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 24, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, शायद हो सकता है आपको ये वाला तरीका ही ठीक लगा होगा, दूसरे वाला तरीका भी मैं बता देता हूँ क्योंकि वो भी काम आता है, क्या कि अपने को निकालना 160%, ठीक है। तो 160% बोलो चाहे 15% बोलो, 160 का एक ही बात होगी, ठीक है, 160 का 15% बोलो, ठीक है, ये भी एक सेम बात होगी। अब यहाँ पर क्या है, अपन ऐसे कर लेते हैं कि देखो एक ये भी बन रहा है 80, इसका डबल कर दो, इसका इसका हाफ कर दिया और इसका डबल कर लो, है ना, तो 8 3 24, ओके। तो जो तो जो मतलब आपको सही लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये हमें मिल गया 24, ओके। और इसको ऐड करेंगे तो 240 में, अब ये भी प्लस करना है 74 में 72 ऐड करना है, तो इसको ऐड करेंगे, ये 240 है, ठीक है, 312, अब 312 जो है इस साइड में है, 312, ठीक है ना, ये उधर जाके ऐड हो गया, तो 312 में अब ये बचा खाली, ये डिवाइड कर देगा, तो 8 3 24 एंड उसके बाद में 8 9 जा, ठीक है, तो 39 जो इसका आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखो इसमें क्या करना है, ऐड करना है 450 को डिवाइड करेंगे 50 में ऐड करेंगे 81 को स्क्वायर रूट करेंगे 9, ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 25% किसका करना है, इसका करना है, ये परसेंट करने इसके करना है, इसका 25% कितना होगा, 800 समझो इसको, सीधा 800 आ गया, ठीक है, 200 का 12% कितना होगा, 24, ओके, 24 हो गया। अच्छा इधर क्या है, ये डिवाइड में है, तो यानी मल्टीप्लाई होगा किससे, 15 से, तो ये 15 है ना, तो 15 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई मैंने पहले भी बताया हुआ, देखो कैसे करेंगे, इसका ना इसका आप क्या करो, इसका हाफ करो, ये जो 15 है ये क्या है, 30/2 थ्रू ही तो है, तो इसमें हाफ कर दो पहले, तो 12 into 30 आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, ओके, गॉट इट। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसमें क्या करना है अपने को, इसमें है ये कितना है, ये 32 है, यहाँ पर कितना है, 15 है, 15 से मल्टीप्लाई आराम से कर सकते, पहले इसका हाफ करो, 16 का ट्रिपल कर दो, 480, ठीक है, तो बस एक जीरो लगा देना उसमें, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या करना है हमें, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 32 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160, ओके, 160। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो बजाय आप लिख के जोड़ने के, आप ऐसे देखो, ये भी ये दोनों क्या है, 16 के टेबल में आते हैं ना, 16 के टेबल में 48 भी आता है, तो आप ऐसे देखो 48 कितने नंबर पे आता है, 3 टाइम पे, तो उसके ही एक और बार जो है आप जो है टेबल ले लो कंटिन्यू, 3 जा 48, तो 16 4 जा 64, इन दोनों का ऐड हो जाएगा। ये क्या है, ये तरीका अभी देखने में अजीब सा लगा होगा, लेकिन ये तरीके से आप माइंड में कर सकते हो और फास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ तक का अपना कंप्लीट हो गया सब कुछ। अच्छा आगे देखते हैं, देखो अब ये जो है 640, ये कितना परसेंट है 200 का, ठीक है, तो 200 का कितना परसेंट है भाई, 200 से जब इसको डिवाइड करूंगा तो 32 आ जाएगा, ठीक है ना, तो 320% बनेगा ये ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट का एग्जैक्टली 320% ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अप्रोक्सीमेशन है वैसे भी, तो इसमें देखो ये कितना है, 981, ओके, प्लस 121 एंड सॉरी यहाँ पर 11 ही है ना, ठीक है, और ये है, ये गलत हो गया, सॉरी ये 64 होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 185 एंड ये है डिवाइड में जाएगा, तो ये डिवाइड में ये कितना है, 37 से जब डिवाइड होगा तो ये तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ गया, और 5 की मुझे क्या करनी है, स्क्वायर करनी है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, तो दूसरी साइड देखो, दूसरी साइड जब 5 में जब स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 25, ओके। अब देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन, टू फ्लावर सेलर सोल्ड टू टाइप ऑफ फ्लावर ओनली, अच्छा दो सेलर भी दो ही है और टू टाइप के वो फ्लावर जो है सेल करते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक टेबुलर फॉर्मेट बना लेता हूँ, जैसे जैसे कुछ कहेगा वो लिख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ, अच्छा एक तो देखो क्या है, रोज है और एक लिली है, तो यहाँ पर लिख देते रोज, ये लिली और एक बना लेते हैं टोटल का, तो क्या कह रखा है, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर सोल्ड बाय सखी इज 1250, तो सखी नाम से कोई एक बंदा है जो कि 1250 टोटल सेल करता है, आउट ऑफ विच 40% है लिली, इसका 40% कैसे निकालोगे, इसको देखो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो इसका डबल करो, 250 का डबल कर दो, 500, ठीक है, तो 500 आ गया, ओके। डबल का मतलब इसका डबल तो करेंगे, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, देखो मैं हर बार एक ही तरीके से करूंगा लेकिन बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, तो जो तरीका मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, बार बार मैं यही तरीका रिपीट करूंगा, ओके। 40% निकालना है, तो यहाँ से 20 और ये 20 तो पहले कट हो गए, तो मतलब सीधा 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, ओके। अब देखो ये कितना होगा, 750, आगे देखो क्या कर रखा है, द नंबर ऑफ रोजेस सोल्ड बाय विधि, दूसरा कौन है, विधि है, विधि के लिए जो है नंबर ऑफ रोजेज के लिए बात हो रही है, रोजेज जो है 400 मोर है किससे, ये देखो 400 मोर है किससे, लिली सोल्ड बाय सखी, लिली जो है इससे 400 ज्यादा हो गई, यानी 900 हो जाएंगे, ये 500 है इससे 400 ज्यादा हो गया, ये आगे कह रखा है, एंड इक्वल्स टू 3/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सोल्ड फ्लावर सोल्ड बाय अर,
इसने मान लो टोटल एक्स बेचे हैं, तो एक्स का थ्री फोर्थ करो, थ्री फोर्थ करेंगे ना तो वो आएगा 900, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो इसका थ्री फोर्थ करेंगे तो 900 मिल रहा है, तो अब यानी कि एक्स कितना है वो निकाल सकते हैं, 300, और इसको फोर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 1200। ये केवल लिखने के लिए था, बाकी इतने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। 1200 इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 300। अब यहाँ इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 50। आगे देखो, अब चलते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रोजेज सोल्ड बाय सखी, 750, और इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, टू द नंबर ऑफ लिली सोल्ड बाय लिली विधि, ठीक है। लिली विधि देखो, लिली विधि यानी 750 300, इनका रेशियो निकालना है इन दोनों का। तो 750 और 300, 15 की टेबल में आते हैं दोनों, 0 0 तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, 5:2, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देखो, नंबर ऑफ लिली सोल्ड बाय रिधि इज इक्वल टू 40% ऑफ नंबर ऑफ रोजेस सोल्ड बाय विधि। देखो वन बाय वन थोड़ा सा इसको तसली से देखें, अच्छा इसमें जो है विधि, ओके कोई नया तो नहीं है, एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ। देखो लिली सोल्ड बाय रिधि, लिली सोल्ड बाय रिधि, अच्छा रिधि नया आ गया इसमें, सॉरी रिधि जो है नया कोई बंदा है, इसमें रिधि के लिए बोल रहा है कि इसके जो लिली जो इसने सेल्ड किए हैं वो क्या 40% है नंबर ऑफ रोजेस सोल्ड बाय विधि, रोजेस सोल्ड बाय विधि, इसका 40% यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसका 40% कितना होता है, 360, 9 4 36, एंड आगे कर गया फाइंड द नंबर ऑफ रिधि, लिली सोल्ड बाय रिधि, तो यही निकालना है बस, इसका आंसर यही हो जाएगा 360। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्लोवर सोल्ड बाय सखी एंड विधि, डिफरेंस निकालना है एंड फ्लोवर सोल्ड बाय सखी एंड विधि, सखी एंड विधि का दोनों का ही टोटल हमारे सामने लिखा हुआ है, इसका आंसर कितना होगा 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, गिवन लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ गवावा एंड लीची सोल्ड बाय फोर फ्रूट सेलर, चार जो है फ्रूट सेलर ही है, इन्होंने गवावा और जो है लीची सेल किया, इसका ये ग्राफ है। देखते हैं पहला क्या है, ये मंडे का डेटा है, ठीक है ना, ये मंडे का डेटा है, ओके। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट सोल्ड ऑन मंडे बाय ईच फ्रूट, ये इस कुछ इस तरह टोटल कैसे निकलेगा इन दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, ये यहाँ पे मंडे लिखा हुआ ना, तो ऑन मंडे द नंबर ऑफ गवावा सोल्ड बाय अमित इज हाउ मच, गवावा अमित कितना परसेंट है किसका, टोटल अजय का टोटल का कितना परसेंट है, अजय का टोटल हमें लेना है, इन दोनों का टोटल करना है, ठीक है ना। तो इन दोनों का टोटल करने के लिए देखो कितना है, ये कितना भी, ये वैसे देख लो इसमें कितने का गैप है 50 का, तो यानी हर एक लाइन जो है 10-10 की है, ठीक है। तो ये है 160 एंड ये कितना होगा, ये है 320। अब इन दोनों को वही टेबलर तरीके से ऐड करेंगे, 16 देखो ये दोनों एक ही टेबल में आते ना, 32 तो है ही, 32 से एक बार और टेबल आगे बोल लो, यहाँ पे मान लो यहाँ पर है ना, यहाँ पर जैसे मान लो 320 ये जैसे 48 होता, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना होता तो मैं कैसे करता, टेबलर तरीके से, यहाँ पर ये कितने हैं, दो बार है, ठीक है, 16 की टेबल में दोनों आते और ये दो बार है, तो इस टेबल को और मैं दो बार आगे लेके चला जाता, ठीक है। और बाकी जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको ये तरीका अजीब सा लग रहा हो तो समझ में नहीं आया, तो क्योंकि मेरे को ये तरीका सेट है इसलिए मैं ऐसे करता हूं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480, ठीक है। आगे देखो, अब ये तो हो गया 480 अजय का, अच्छा हमें निकालना गवावा अमित का, गवावा और अमित, गवावा है ब्लू वाला यानी ये वाला देखो कितना है, ये वाला कितना बनेगा 120। तो 120 जो है 480 का कितना परसेंट है, देखो 1/4 बन रहा है एग्जैक्टली, तो ये होता है 25%, ठीक है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखो क्या करेगा, नंबर ऑफ लीची सोल्ड बाय वीबर एंड ऑन मंडे, लीची वीबर, तो लीची वाले देखो कौन से है, रेड यानी ये कितना है, ये है 120, ठीक है। अच्छा इस 25% लेस देन ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे वाले जितनी है ना उससे 25% लेस है, 25% लेस का मतलब ये 75% है, और 75% जब ये खुद है तो 75 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, 100% आ जाएगा। तो जब मैं इसको 75 की फ्रैक्शन में नहीं यहाँ पे लिखे, 75% नहीं लिखा, तो ये जो नीचे वाला जो 4 लिखा हुआ मैंने ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 160, ठीक है, ये तो आ गया 160। फाइंड द नंबर ऑफ लीची सोल्ड बाय वीबर ऑन ट्यूजडे, बस यही पूछा है, इसका 160 ही आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखो क्या कह रखा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गवावा सोल्ड बाय विनय एंड वीबर, विनय और वीबर का एवरेज निकालना, विनय और वीबर और गवावा का एवरेज निकालना है। तो देखो ब्लू वाली लाइन जो है ना, इसका और इस पॉइंट का एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं ना। तो आप ये काम नहीं करना, इसमें देखो ये जहाँ है ये जहाँ, इनके बीच में देखो कितने का गैप है, यहाँ ये तो हो गया 5 और ये हो गया 3, 5 और 3 कितने होते हैं 8 हो गए ना। तो 8 का आधा कर लो आप, 8 का आधा करने के बाद किसी में जैसे इस नीचे वाले से स्टार्ट करो तो 4 ऊपर चले जाओ, और ऊपर वाले से स्टार्ट करो तो 4 नीचे आ जाओ, समझ गए, ऊपर वाले से स्टार्ट करो तो 4 कम कर दो और नीचे वाले से स्टार्ट करो तो 4 ऊपर चले जाओ, ठीक है। तो ये जहाँ पे पॉइंट बन रहा है ना, ये पॉइंट कितना है 240, तो इसका
आंसर कितना होगा 240। समझे कि नहीं समझे, दोबारा बता देता हूँ एक बार। देखो हमने देखा टोटल जो गैप है वो है 8 का, 8 का हाफ कितना होता है 4, ठीक है। तो मैं या तो ऊपर वाले में से कम कर दूँ, जो ज़्यादा ना उसमें से 4 कम कर दो आप, या तो, या जो कम है उसमें 4 जोड़ दो, ठीक है, तो वो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 240, ठीक है, गॉट इट। अगला दे रखा है ऑन मंडे आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रूट सोल्ड बाय विनय 25% रोटन, जो मंडे को विनय ने जितने सेल किए थे उसमें से 25% जो है खराब हो गए, तो यही अपने को निकालना है, ठीक है। तो विनय वाले विनय का टोटल देख लेते पहले कितना बना है, इन दोनों का टोटल देखो ये है 200, ये 200 है, और ये जो है यहाँ पर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ 280 है, ठीक है। तो 200 और 280 कितना होता है 480, 480 का 25% कितना होता है 120 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लीची सोल्ड बाय अमित ऑन ट्यूजडे इज 200। तो देखो ये जो भी डेटा है अभी तक, तो ऊपर वाला जो ग्राफ में है ना वो मंडे से रिलेटेड है, अभी ट्यूजडे की बात कर रहा है। तो अमित ने जो रोज और लीची, लीची के लिए बोला कि लीची जो इसने सोल्व किया वो 200 है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लीची सोल्ड बाय हिम ऑन मंडे एंड ट्यूजडे। देखो ट्यूजडे वाले और मंडे वाले लीची का रेशियो निकालना है, तो मंडे वाले जो है अपन ऊपर ग्राफ से देख लेते एक बार, किसका, अमित का, ठीक है। तो अमित में जो लीची है, ठीक है, उसका देखो कितना है, लीची रेड वाला होगा, तो यहाँ पर जो है 160, ठीक है, 160 का 200 से रेशियो बताना है, 160 का 200 से कितना बनेगा 4 4 जा 14 4 4 जा एंड 4 5 जा, ठीक है, 4:5 जो है इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो जल्दी से। देखो यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, इसमें जो है नंबर सीरीज है, और एक बात और साथ में देखो, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं हुआ, धीरे धीरे कुछ तो हल्का सा, मतलब थोड़ा ही डिफरेंस है, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे मान लो 5 लिखा है यहाँ पे इतना हो गया, तब तो मल्टीप्लाई चेक करते हैं, अभी अपन डिफरेंस ही जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कितना का डिफरेंस है, ये है 8 एंड ये हो गया 2, उसके बाद में इसमें देख लो कितने का है, इसको नीचे लिख देता हूँ मैं, ये हो गया 6 एंड ये हो गया 2, ये इसमें देखें तो 8 एंड ये हो गया 19 यानी कि 2, इसमें देखें तो ये है 8 एंड 1 18, इसमें देखें तो 0 एंड ये हो जाएगा 2, ठीक है, एक सेकेंड, ये 0 एंड ये 2, ठीक है, सही है। तो अब ये कहानी बन रही है, अब इसको क्या अपने को एक सीधी एक सही लाइन में अपने को बनाना है। तो देखो पहले इसमें यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 10 का डिफरेंस, यहाँ पर 2 का डिफरेंस, तो 2 2 2 ठीक बैठ रहा है, लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है, मतलब हो सकता है इन दोनों में ही कोई ना कोई दिक्कत हो, ठीक है ना। तो इन दोनों में ही दिक्कत है, तो देखो 28 26 24 यदि मैं करता हूँ इसको, और इसको मैं 22 करता हूँ, तो क्या बात बन जाएगी, फिर 20 भी आ रहा है ना, 2 2 2 2 का डिफरेंस बन रहा है सभी जगह, ओके। तो इसमें क्या होगा, फिर ये दोनों गलत है ना, तो इन दोनों की, ये दोनों यदि गलत है तो इनके बीच में देखो कौन सा नंबर बन रहा है, ये जो नंबर है वो इससे आया, इन दोनों के बीच का है, ये जो नंबर है वो इन दोनों के बीच का है, ये दोनों है जो इन दोनों के, तो अब देखो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में कौन बन रहा है, ये वाला 206 जो है इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, यही गलत है। तो देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर देखो बहुत बड़ा नंबर पहुँच बन गया ना 5 से सीधा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 से 11 कैसे बन सकता है, 11 तो नहीं बन सकता, लेकिन 5 के नज़दीकी यदि देखूँ 11 का, वो 10 बन रहा है 5 से, तो 5 2 जा प्लस 1 है ना, इससे ये कैसे बना सकते हैं, 11 2 जा 22 होता प्लस 2 करूँगा तब ये 24 बन जाएगा, है ना। आप ये देखो 11 से 22 में 24 के पास का कोई नंबर देखो, वो बनता है 22, ठीक है, तो उसमें 22 में कितना कम रह गया, 2 कम रह गया, तो 2 जोड़ना भी होगा आगे, इससे ये बनाओ, इससे ये नहीं बना सकता, लेकिन 24 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे पता है 48 होता है, ठीक है ना, और 48 तो हो गया, अब मुझे यहाँ पर 51 चाहिए था, तो कितने कम रह गए, 3 और कम रह गए, तो ये 3 आप यहाँ लिखो, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसमें आगे देखो ये कितना है, इससे डबल करने पे कितना होता है 102, ठीक है, और इसमें 102 तो हमने निकाल लिया, ठीक है, अब ये कितने का डिफरेंस हो रहा है, 4 का, तो यानी 102 में 4 और ऐड करना है, ठीक है, समझ गए, ये भी हो गया। अब इससे आगे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें जो है इसका डबल करेंगे तो कितना होगा 212 में ये कम हुआ है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस 1 बना है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 यहाँ तक ठीक था, ये गड़बड़ हो गई ना, तो ये नंबर गलत होगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या है 4, इसमें डिफरेंस ही जाएंगे वैसे, एक बार पहले देख लेते हैं, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 एंड 2, ये हो जाएगा कितना 5 एंड इसके बाद में यहाँ पर 8, 8 में से ये जाएगा तो 5, ठीक है, इसमें देखो कितने का है 5 एंड 11,
है कि नहीं, गड़बड़ तो नहीं हुआ कुछ? ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को कुछ कुछ ठीक लग रहा है कि 4, 9, 25 इनको देखा तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा कैसे लगा? क्योंकि ये तीनों, ये नंबर जो है स्क्वायर है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 5 का है, है ना। अब आगे गड़बड़ होगी लेकिन, तो यहाँ पर फिर इसी हिसाब से क्या होना चाहिए, 2, 3, 5, ये कंसेक्यूटिव नंबर तो नहीं है लेकिन ये प्राइम नंबर है, तो अगला होगा होता है 7, उसके बाद में अगला क्या होता है 11, है ना। इस हिसाब से तो ये बने बनना चाहिए। ओके एक मिनट, ये यदि बनता है तब तो ठीक है। तो यहाँ पर यही गलत है और बाकी सब कुछ, ये इतना तो सही चल रहा था, ये गलत है और ये गलत है, ठीक है ना। देखो मैं दोबारा से मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके बताता हूँ। जैसे एग्जाम में आप देखो इन दोनों का कितना निकला आपका डिफरेंस, ये आया था 25 और यहाँ पर जो है 115, सॉरी ये 25 नहीं था, कितना था ये 25 तो इनका था ना, अपन ने इरेज भी कर दिया है। देखो मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ एक बार, चलो कोई ना अभी इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखो 55, ठीक है, तो इसका जो है डिफरेंस कितना है 55 यहाँ पर बन रहा है, तो 55 भी गलत है और इधर ये वाला जो डिफरेंस आता है वो भी गलत है, यानी 191 जो है इसका यहाँ पर रॉन्ग जो है नंबर जो लिखा हुआ वो रॉन्ग होगा, ठीक है। अगले वाले में देखते हैं, देखो यहाँ पर जो है बहुत बड़ा तो नहीं हुआ है लेकिन इसका एक बार जो है डिफरेंस ही चेक करेंगे, ठीक है। तो 20 ये तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, चलो एक बार पूरा कन्फर्म करना पड़ेगा। 5, 2 और यहाँ पर हो रहा है 2 एंड 4, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर जो है 8 एंड 7, 2, 28, ये कहानी है यहाँ पर, ये कहानी बन रही है। तो इस कहानी को पूरा कैसे करें, इस कहानी को पूरा करने के लिए देखो कुछ कॉमन देखो जो सभी में चल रहा हो, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 28 है, एंड ये तो मतलब कोई डिफरेंस भी यदि देखे तो ये 10 का है, ये 8 का है, यहाँ पर कुछ और ही है शायद 14 का होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये तो कुछ गड़बड़ बन रही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं लिंक नहीं हो रही है चीज़ें। तो अपने को देखो स्क्वायर वगैरह भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक मिनट फिर क्या हो सकता है, ये देखो 5, 2 जा 10, अच्छा 5, 3 जा 15, ये भी नहीं बन रहा है ना, 5, 3 जा 15, ये भी कुछ अलग ही है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो 10 कैसे आ सकता है, आप ये थोड़ा इस पर सोचो, 10 को जनरली मैं यदि देखूँ तो 2 × 5 से आ सकता है, ठीक है। और 20 कैसे आ सकता है, 20 आ सकता है, और यहाँ पर जो है 20 कैसे हो सकता है, 4 × 5, ओके, या तो ये ऐसे बन सकता है। एक मिनट, शायद अपन ने यहाँ पे भी गलती कर दी ना, देखो एक मिनट रुको रुको, ये जो है सब्सट्रैक्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि ये यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर इसको में से ये जब माइनस करेंगे तो 8 एंड ये हो जाएगा 4, 4 में से ये करेंगे 18 आएगा, ठीक है ना, 18 बनेगा, 18 के अकॉर्डिंग चेक करना है। अब तो देखो अब तो ठीक भी लग रहा है, अब तो मुझे कुछ जो है ठीक भी लगने लग रहा है, क्योंकि 2 × 5 एंड ये क्या बन सकता है 3 × 6 और 6, 3 जा एक ही बात है वैसे तो, अच्छा देखो हाँ ये ठीक है, देखो 2, 3, 5, 6, 4, 7 एक ही नहीं है, ये देखो ये ऐसे लिंक कुछ इसमें बनेगा, फिर ये होगा 5, 8, तो यहाँ पे गलती है कि नहीं है, 5, 8 यहाँ पे गलती है, तो यहाँ पे गलती है तो आगे वाला भी कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलना चाहिए, है कि नहीं है। इसी हिसाब से तो यहाँ पर 5, 8 है, तो यहाँ पर 6 और 9, 6, 9 जा 50, देखो ये दोनों नंबर मिल गए ना, ये दोनों गलत है, तो इन दोनों के बीच में देखो कौन, ये यहाँ से निकला है, ये यहाँ से निकला है, तो इन दोनों के बीच वाला ये है, यानी 123 ही गलत है, ठीक है, 123 ही जो है गलत होगा इसमें। अगला देखते क्या है, देखो इसमें क्या करना का, अच्छा इसमें तो पक्का से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो देखते हैं क्या कैसे कौन सा मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर जो है ये हुआ है 1 + 5, ठीक है, यही बनेगा और तो कुछ है नहीं, ठीक है। और इसमें आगे यदि मैं देखूं तो इसको 2 + 3 है कि नहीं है, 24 होगा, 24 + 3 करना पड़ेगा, अच्छा इसको देखो 81 + 3 करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। अच्छा इसके और आगे चलें तो ये 2 जा करेंगे तो फिर बनेगा, है ना, 3 जा करेंगे तो फिर ज़्यादा चला जाएगा, ये तो फिर यहाँ पे सेट नहीं हो रही चीज़ें, क्योंकि 1, 2, 3 तक तो बात समझ में, फिर भी चलो कुछ देख लेते लॉजिक निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर जो है अब ये बन नहीं रहा है, इधर तो ठीक लग रहा था लेकिन यहाँ पर जैसे 2 लिखा मैंने गड़बड़ हो रहा है, और या फिर 3 लिखता हूँ तो भी वो लिंक नहीं होगा, है ना, तो ये तो गलत हो गया। तो अब एक बार अपन डिफरेंस भी चेक कर लेते, क्या पता डिफरेंस में कुछ अपने को मिल जाए,
शायद ठीक है, बाकी जनरली यही होता है कि इसमें इससे काम चल जाता है। तो अब यहाँ देखते हैं एक बार डिफरेंस क्या है इनका। तो ये है 15 ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस देखो कितने का है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है दिखने में, अब जैसे मान लो सपोज करो इस पे क्यूब ऐड हो रहे होंगे, तो क्यूब ऐड हो रहे होते हैं ना उस वैसे कंडीशन में दिखने में ये मल्टीप्लाई वाली होती है, लेकिन होता क्या है क्यूब यदि ऐड हो रहे होंगे ना तो उस कंडीशन में भी आपको ऐसी ही दिखेगी सीरीज। तो एक बार चेक करते हैं, तो देखो 7 एंड ये हो गया 7 में से ये जाएगा 5 ठीक है, और यहाँ पर हो गया 3 एंड ये हो गया 12, और इन दोनों का यदि डिफरेंस देखे तो ये हो गया 5 एंड 60 में से 20 जाएगा तो 40। तो ये कहानी है। अब इस कहानी को, इस कहानी की जो कड़ियाँ हैं वो कैसे जोड़ी जा सकती है, यहाँ पर यदि देखें तो ये देखो क्या हो सकता है भाई, ये 3 टाइम हुआ है, ये तो कुछ कितना टाइम हुआ, ये तो कुछ टाइम हुआ ही नहीं इसमें, तो यहाँ पर मान लेता हूँ ये 3 टाइम हुआ है ठीक है, और यहाँ पर ये यदि 3 टाइम होता तो कितना बनता। आगे देखो कुछ यहाँ पर भी कुछ हुआ है क्या, अच्छा, एक सेकेंड देखो, यदि मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसको 3 टाइम करता हूँ, मान लो यदि 3 टाइम होता 45 बनता, फिर इसका 3 टाइम होता तो 135 बनता, और 135 का 3 टाइम होता तो कितना आता, यही आ रहा है ना, यानी इसका 3 टाइम, इसका 3 टाइम, इसका 3 टाइम, इसका 3 टाइम, तभी ये बात बन सकती थी, अदरवाइज ये बात नहीं बन सकती। देखो यहाँ पर मैंने 3 टाइम किया, ये एग्जैक्टली मुझे दिख रहा है ठीक है, बाकियों में तो नहीं पैटर्न बन रहा, लेकिन फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगाया कि आगे देखो ये वाला जो यहाँ पर जो नंबर लिखा है ये भी 5 का ही है, तो कन्फर्म ये कोई ना कोई मल्टीप्लीकेशन जो है इसमें चल रहा होगा ठीक है ना। जैसे किसी नंबर में 5 होता है और उसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो या तो 0 दे के जाएगा या फिर 5 ही दे कर जाएगा ठीक है ना, इसलिए अपन ने थोड़ा सा इसको ट्राई किया तो ये निकल रहा है। तो अब यहाँ से देखो, एक तो ये नंबर गलत है, एक ये नंबर गलत है, ये जो 123 ये यहाँ से आया है और 57 यहाँ से आया, तो 84 जो इसमें गलत होगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब जल्दी से। ओके तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें। इसमें बोल रखा है क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ए इज 20% मोर देन द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बी। ए और बी इन दोनों में की क्वांटिटी में क्या है, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 ठीक है। तो एक में, बी में यदि 5 है तो इसमें 6 होगी ठीक है। तो अब मैं ऐसे कर लेता हूँ इसकी क्वांटिटी को ना 50-60 मान लेता हूँ, 50x 60x। ओके थोड़ा सा इजी हो जाएगा कभी कभार ठीक है ना, क्योंकि मान लो इसमें कोई कैलकुलेशन करवाएगा। आगे कह रहा है इफ मिक्सचर ए कंटेंस 40% ऑफ वाटर, ए में 40% वाटर है, ए का जो है वाटर कितना है, 40% कितना होता है इसका, 24x ठीक है, ये तो हो गया वाटर, और बाकी बचा हुआ जो है, बाकी बचा हुआ देखो कितना होगा 60%, इसका 60% कितना होता है 36, ये जो है ना ये इक्वल है किसके, 90 लीटर के ठीक है ना। आगे दे रखा है एंड रेस्ट 90 लीटर इज मिल्क, ये जो है मिल्क है, ये इसका वाटर है। तो ये जो है यहाँ पर एक्स की वैल्यू अपन इससे निकाल सकते हैं, यहाँ डिवाइड करेंगे 36 से ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कुछ ऐसे बनेगी, तो 9 × ये आ जाएगा 4, 10/4 यानी कि 2.5। ओके 10/4 करेंगे तो 2.5, एक्स की वैल्यू 2.5 आ गई, तो यहाँ पर जो है इन दोनों को ही 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे देखो पूछा क्या है उसके हिसाब से करेंगे, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर बी, बी का निकालना है, तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, देखो पहले आप इसका डबल कर दो, पहले आप इसका डबल करोगे तो बनेगा 100, फिर आप इसका आधा भी कर दो तो ये आ जाएगा 25 ठीक है, तो 125 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें बोल रखा है पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक टुगेदर इन 40 आवर्स, ए और बी जो दोनों मिलाकर 40 आवर्स एंड बी अलोन 60 आवर्स ठीक है, 240 ओके सॉरी 240 क्या 120 एंड ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 ओके एलसीएम के बाद में। अब आगे क्या करके फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल द टैंक इफ इट्स एफिशिएंसी हैड बीन 150% मोर, यानी कि जो ए है वो अकेला यदि भरता है वो भी उसकी 150% मोर एफिशिएंसी से, तो कितना टाइम लेगा। तो देखो यहाँ पर जो है इन दोनों को, मैं एक मिनट इसको सही से लिख देता हूँ, देखो इन दोनों ने जब ये काम, इनका एलसीएम कितना बना 120, इसको डिवाइड करेंगे 4 3 जा 120 ठीक है, एंड ये 6 2 जा, तो इन दोनों की मिलाकर के 3 है और बी की अकेले की 1 है, तो यानी ए की कितनी होगी 1 ओके। अब इसकी 150% ज़्यादा करनी है एफिशिएंसी, तो वो कितनी हो जाएगी 2.5 ओके 2.5 बन जाएगी उसकी, यानी 150% मोर का क्या मतलब होगा 250% उसका ठीक है, तो यहाँ 2.5% जो है उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब 1.120 जो वर्क है उसको 2.5 से यदि काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा देख लो, तो 25 4 जा एंड 4 12 4 जा
48 आवर्स, ठीक है 48 आवर्स जो इसको लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ने स्टार्ट किया बिजनेस इन्वेस्टमेंट के साथ 40,000, ठीक है, एंड बी आगे क्या कर गया, 4 महीने बाद में जो बी भी आ गया एंड जो इन द बिजनेस इन्वेस्टमेंट 8,000 लेस देन डेट ऑफ ए, तो ए और बी की कहानी चल रही है, 40,000 इसने लगाए हैं और इसने 4,000 जो है 8,000 कम लगाए हैं। आगे कह रखा फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी। अब देखो ये 4 महीने बाद में है ना, तो टोटल इसने 8 मंथ काम किया, इसने 12 मंथ काम किया है, उसके बाद में बी का हमें प्रॉफिट निकालना है और आउट ऑफ दिस, तो देख लेते हैं। देखो 2, 3 एंड 8, ये 0 से 0 तीनों कट कर दो, ठीक है ये तीनों 0 कट हो गए, 8 4 जा 8 5 जा एंड उसके बाद में आगे देखें तो देखो ये हो गया 15 एंड ये हो गया 8, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 23 को इससे डिवाइड करो, 23 को इसको जो है 23 से डिवाइड करेंगे, तो 1 जा एंड 2 जा एंड 0, ठीक है 120 आ गया। हमें निकालना है बी का शेयर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 960 जो है इसका प्रॉफिट आ जाएगा, किसका बी का, ठीक है। मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया, शायद आप समझ गए होंगे। देखो क्या कह रखा है, टाइम टेकन बाय बोट ए टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू, देखो टाइम टेकन बाय बोट ए जो है उसको इतना किलोमीटर डी प्लस 15 किलोमीटर चलने में, कैसे डाउन स्ट्रीम में, इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल ये अप स्ट्रीम में, तो यानी ये जो है डिस्टेंस और दो डिस्टेंस दे रखी है, ये डिस्टेंस कैसे, ये डाउन स्ट्रीम में मतलब बोट प्लस करंट, और ये वाली जो है अप स्ट्रीम में, ये दूसरी वाली जो है अप स्ट्रीम में, तो यानी बोट माइनस करंट। अच्छा इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट इन इज ये है, अब देखो बोट और करंट की हमें स्पीड दे दी, तो यहाँ पर ना मैं 10 लिखूंगा ओके, और यहाँ पर मैं 6 लिखूंगा ओके। आगे क्या कह रखा है, वैल्यू ऑफ डी निकालनी है, तो ये दोनों इक्वल है, बस यहाँ से सॉल्व कर दो, पहले यहाँ से इसको कट करो, पहले ये हो गया 5 और ये हो गया 3, ठीक है ये हो गया 5 ये हो गया 3, इसको अब यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखो कितना बन जाएगा ये, इसके बाद में ये जो है 3D, ठीक है ये यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 3D एंड 45, ठीक है एंड इधर हो जाएगा 5D एंड 60, समझ रहे हो ना आप, तो 5D जो है 3D इधर जाके माइनस होगा, ये बचेगा 2D, ठीक है एंड 60 उधर चला जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा इसमें ओके, तो 60 जब 45 में ऐड होगा तो ये कितना बनेगा, 60 और 45 105 एंड यहाँ पर अपने पास में 2 कितना था ये 2D, ठीक है और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना होना चाहिए फिर 51, यहाँ पर अपने गलती कर दी, देखो ये जो 5 है 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 105 नहीं बनेगा, देखो कैसे ये 45 तो था ही, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 145 का हाफ कितना होगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो हाफ होगा 72.5, इसका फाइनल आंसर यही होगा, ठीक है इसका हाफ ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखो इसमें क्या कह रखा है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड एट द रेट ऑफ दिस इतना है, तो देखो कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसको अपन क्या कर रहे हैं, उसको फेंस कर रहे हैं, फेंस मतलब चारों ओर जो है उसके बाउंड्री बना रहे हैं, तो उसको जब उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, इतने रुपए और 4 पर मीटर के रेट से जो है इसको फेंसिंग की गई है, तो यहाँ पर जो है ये जो है अपन निकाल सकते हैं, मतलब इसकी पैरामीटर कितना होगा, इसका पैरामीटर होगा 9, 4 जा 36, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 11 मीटर, अभी लेंथ हमें कह दी 11 है तो ये भी 11 होगी, ठीक है ये पता नहीं है। अच्छा अभी देखो ये निकाल सकते हैं कैसे, ये जो ब्रेथ है वो निकाल सकते हैं, ये 22 हो गया, 22 इसको हटाओ पहले 8 एंड ये बचेगा 8 में से ये जाएगा 6, तो इसका हाफ करेंगे 34 एंड 34, ठीक है एक मिनट सॉरी क्या कर दिया इसने, 11 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा लगता मैंने जल्दबाजी में इसको पढ़ लिया, जितनी ये है ना उससे x प्लस 11 ही है, ठीक है ये कहानी है, ठीक है तो फिर तो अलग हो जाएगा, तो इसमें अपन को जो है इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, ठीक है तो 17, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो 17 हो जाएगा, ठीक है एंड ये जो है इससे 28, ये भी सेम 28, अब देखो 56 एंड 34, ठीक है ये पूरा कंप्लीट बन रहा है, तो अब ये कहानी होगी यहाँ तक कंप्लीट। आगे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर, लेंथ कितनी होगी 28, ओके चलो आगे देखो ये है इतने रुपए इन्वेस्टेड 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर, 4 सालों के लिए जो इसने लगाया एंड गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ दिस। अच्छा यहाँ पर इतना इंटरेस्ट मिलता है, वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है ओके, तो देखते हैं देखो इसको करते हैं, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये अपना क्या हो गया प्रिंसिपल एंड रेट इतनी और
जो ईयर्स है वो इतने होंगे, ठीक है। तो ये इस इतने टाइम में इतने रेट से कितना परसेंट इंटरेस्ट बन जाएगा, 80%, ठीक है। और ये आगे कह रखा है कि ये जो अमाउंट है ना, इतने टाइम से इतने रेट से जो है इतने का इंटरेस्ट देती है, तो ये तो हम भी निकाल सकते थे, है ना। 80% अपन भी निकाल सकते थे इसका, वो यही आया था। ओके, इसका 200 बन जाता और इसका 0.8 बन जाता, जो हम भी निकाल सकते थे, कोई बात नहीं अलग। लेकिन आगे कह रखा है कि वैल्यू निकालो इसकी। तो अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कोई अपने पास में कोई और कुछ इसमें रिलेटेड कंडीशन ही नहीं दे रखी है, ठीक है ना। तो ये जो है CND हो जाएगा यहाँ पे। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है क्वेश्चन। तो देखो ये है यहाँ पर, इसमें बोल रखा है ये आर्टिकल हूज कोस्ट प्राइस वॉज 2400, वो ठीक है। CP कितना कह रखा है इसने, 2400। ओके आगे बोला है इसने, वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 800। इसको क्या किया गया, SP कितनी हो इससे 800 ज़्यादा, यानी कि 3200। इफ़ द आर्टिकल वॉज सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 20%। अच्छा कह रहा, कहना ये चाह रहा कि ये जो आर्टिकल है ना, इसको 20% डिस्काउंट देकर बेचा है, यानी ये जो अमाउंट है ये MP का 80% है, ये MP का 80% है, तो मैं क्यों ना MP निकाल लूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये बनेगा 5, ये बनेगा 4, और 4 8 जा, ठीक है, 8 5 जा 400, ठीक है ना। तो यानी 40 जो है, 4000 जो है यहाँ इसकी MP। अब क्या बोला आगे, देन फाइंड द अमाउंट बाई विच आर्टिकल वॉज मार्क्ड अबव द कॉस्ट प्राइस। ये अमाउंट बताओ कि जो जितना कॉस्ट MP है, जो कॉस्ट प्राइस है कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा है यहाँ पे डिफरेंस, देखो 1600 का, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें कह रखा है इनकम ऑफ ए इतनी है, सी सॉरी ही सेव 40% ऑफ इज इनकम, 40% सेव करता है, तो 60% एक्सपेंड कर रहा होगा, खर्चा कर रहा होगा। द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 1600 मोर देन दैट ऑफ ए। तो देखो पहले यहाँ पे अपन ए का निकाल ही लेते हैं, 60%, इसका 60% कितना होगा, 60% निकालना 24000 का, ठीक है। तो 60% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/5, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देगा अपने को 48, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 और 24, तो 144 and 0। ओके ये इतना जो है इसने खर्चा किया, इसने इतना जो है खर्चा किया। अब देखो ये आ गया ए का एक्सपेंसेस, एंड जो बी का है वो इतना ज़्यादा है, तो बी का इतना ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा कर देते हैं, 1600, ये इतना, ये हो गया किसका, बी का एक्सपेंसेस 16000, ये बी का एक्सपेंसेस है। एंड ही सेव 36%, अब ये सेव करता है 36% सेव करता है, और इसका एक्सपेंसेस जो है 36000 है। फाइंड द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। तो देखो ए की तो इनकम मुझे पता है कितनी है, 24000, लेकिन बी की इनकम मुझे पता नहीं है, और मुझे इतना पता है कि ये जो खर्चा है ये तो उसका एक्सपेंसेस है, और सेव ये करता है 36%, तो खर्चा कितना करता होगा, 64%। तो यानी ये जो है, ये जो एक्सपेंसेस है ये तो एक्सपेंसेस है, और ये उसका परसेंटेज है, तो उसको 100% निकाल लेंगे। ओके 16 4 जा एंड 4 5 जा, तो ये 5000 बन गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पर जो है 50000 बनना चाहिए क्या, एक मिनट, 5000 कुछ गड़बड़ हो गई लगता है, यहाँ पर 50000 बनेगा ये। ओके हाँ देखो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, देखो मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको, देखो 16 4 जा 4 25 जा, ठीक है, 25 into ये करेंगे तो 25000 हो जाएगा। ओके तो 25 और इन दोनों को ऐड करना है, सम करना है, तो कितना हो जाएगा, 49000, ठीक है, 49000 ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ ए एंड बी 28, ए प्लस बी 28 है, ठीक है, सी इज 6 ईयर एल्डर देन बी, सी जो है बी से 6 ईयर ज़्यादा है। इफ द परसेंटेज ऑफ ए एंड सी इज 31, ए प्लस सी जो है 31 है, एंड देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ बी, हमें बी की जो है क्या नाम है इसका, बी की एज निकालनी है। तो देखो पहले अपने पास ये दो इक्वेशन है ना, इनको ऐड यदि करते हैं तो यहाँ से जो है, देखो एक तरीका तो ये है कि या तो इसको ऐड कर लेते हैं, है ना, एक मिनट, या तो एक तरीका तो ये है कि या तो इसको ऐड कर ले, और दूसरा अपन ऐसे करते हैं कि ए की जो है ना, ए की वैल्यू, सॉरी बी और सी की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये सी माइनस बी इक्वल्स टू 6, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ए मैं जो है सी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग देखें तो 31 माइनस ए माइनस दूसरे वाले क्या बनेगी, 21 माइनस 28 माइनस ए। ओके तो यहाँ से जो है, एक मिनट, तो ऐसे तो ये सेट नहीं हो पाएगा, है ना, और यदि अपन इन दोनों को जोड़कर करते हैं तो भी बात मेरे को नहीं लगता बन पाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, टोटल 2a प्लस बी प्लस सी, और इधर पे कुछ इन दोनों का टोटल आ जाएगा, है ना, लेकिन अपन इसको जो सॉल्व नहीं कर पाएंगे,
है कि नहीं है, मान लो क्योंकि यहाँ पे अपने पास ये वैल्यू है, यदि कुछ और भी होता तो मतलब बी प्लस सी भी होता तो भी देखते कि यहाँ पर जो है इसको प्लेस कर देते, फिर अपन ए की वैल्यू निकाल लेते, ए की वैल्यू निकाल लेते तो बी और सी की भी निकल जाती, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अपने पास में सी माइनस बी की वैल्यू है 6, हमारे पास में यदि सी प्लस बी होता ना तो अपन इस जगह पर प्लेस कर देते, तो अभी जो है इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है, सी एन डी हो जाएगा इसमें। ओके तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, एक मिनट। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसमें क्या कह रखा है, 12.5% ऑफ ए थ्री डिजिट नंबर व्हेन एडेड टू 60% ऑफ सेम नंबर, यानी कि कोई एक नंबर है जिसका इतना परसेंट और 60%, ये दोनों परसेंट जो है ऐड करने हैं, तो ऐड करेंगे किसी सेम ही नंबर के इतना परसेंट और इतना परसेंट, जब मैं ऐड करूंगा तो 72.5% बन जाएगा उसका, है कि नहीं है, उस नंबर का 72.5% हो गया ही। ओके अब आगे बोल रहा है, आगे क्या बोला इसने कि द रिजल्टेंट इज 132 लेस देन ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर मान लो 100x था, ठीक है, और ये जब मैंने इसको सॉल्व किया मतलब परसेंटेज निकाला तो इतने परसेंट बन गया, ठीक है, इतने इतने परसेंट हो गया। अब ये कह रहा है कि जो जो रिजल्टेंट यानी कि ये जो है ओरिजिनल से कितना कम है, 132 कम है। ओके नंबर में बात करें तो 132 है और इसमें देखो कितना है, 27.5, ठीक है, 27.5 जो है कम है, तो यानी कि 27.5 जो है इक्वल है 132 के। ओके यहाँ से जो है अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 27.5 और यहाँ से मैं पॉइंट को हटा करके ऊपर लगा देता हूँ 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 25 से क्या पहले एक बार 5 से कट कर लेते हैं, 5 जा एंड 5 2 जा एंड 5 6 जा 5 4 जा, ये हो गया यहाँ पे, एंड 11 2 जा 11 4 जा, ठीक है, एंड इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8 आ गया, ठीक है, 4.8 आ गया। तो आगे क्या कर रखा है, फाइंड द थ्री डिजिट नंबर, हमने क्या लेट किया था 100x, इसको 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 जो है वो नंबर आ जाएगा, ओरिजिनल जो नंबर था वो 480 था, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, अब देखते हैं, देखो यहाँ से जो अपना रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट है, ठीक है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एट कार्टून्स, ठीक है, ये सभी कार्टून्स आर पैक्ड इन ए स्टैक इन विच लोअर मोस्ट स्टैक इज नंबर्ड एज 1, तो सबसे नीचे वाली जो इसको 1 दिया एंड कार्टून प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द जो उससे ऊपर वाला है ना उसको 2 दिया है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर 8 है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ जो है इसको थोड़ा सा जूम आउट करके पर इसको ड्रॉ कर लेते पहले रिक्वायर्ड जो है, देखिए अब इसने कह रखा है 8, तो मैं पहले 8 बना देता हूँ, 8 7 6 5 4 3 2 1। आगे देखो क्या कर रखा है, ये हो गया कार्टून डी इज नॉट प्लेस ऑन एन इवन नंबर सेल, डी जो है इवन पे नहीं है तो ये डी जो है ओड पर होना चाहिए, ठीक है, डी होगा ओड पर। ओके एंड टू कार्टून आर प्लेस बिटवीन एच एंड ए, एच डैश डैश ए, ठीक है, मोर देन 4 कार्टून आर प्लेस बिटवीन ए एंड डी, अच्छा ए एंड डी के बीच में प्लस 4 कर देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है ना, प्लस 4 का मतलब इनसे 4 से ज़्यादा ही होंगे, और देखो डी जो है ओड पर भी है, ठीक है, इन सच दैट ए इज प्लेस्ड अबो डी, ए जो है डी से अबो होना चाहिए, ठीक है, ये अबो का साइन है, तो अब यहाँ डी से अबो होगा ए और 4 से ज़्यादा भी होने चाहिए, तो देखो क्या डी यहाँ आ सकता है क्या, पहले एक बार ये देखो क्योंकि ओड में देख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, पहले अपोजिट उल्टा कुछ चेक करते हैं, मैं मतलब यहाँ चेक करता तो कन्फर्म मुझे पता है कि इससे ऊपर तो फिर ए आ ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं एक बार यहाँ चेक करता हूँ, यदि डी यहाँ होता है तो 4 छोड़कर सॉरी 4 से ज़्यादा जो है होने चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5 तो हो जाएंगे लेकिन फिर एक लिए जगह नहीं बचेगी, तो यानी डी यहाँ नहीं आ सकता, डी फिर यहीं आ सकता है। ओके तो ये तो हमने डी का तो कन्फर्म कर लिया, डी यहीं होगा, अब देखो ए कहाँ कहाँ आ सकता है, ए 1 2 3 4 5 ये छोड़ दो, यहाँ तक तो ए नहीं आ सकता, तो ए या तो इसमें होगा या इसमें होगा, तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है इसकी बना देते, ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटी अपन ने क्रिएट कर ली। अब देखो दो छोड़ करके एच भी है, इसमें दो छोड़ करके एच लिख देते हैं आगे, अब ये अपन ने कंडीशन जो है कंप्लीट कर दी है दोनों के दोनों ही। आगे कह रखा है बी इज प्लेस जस्ट अबो सी, बी जो है जस्ट अबो है सी के, ठीक है, तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, इसमें भी तीन पॉसिबिलिटी, इसमें दो पॉसिबिलिटी है। एंड सी इज प्लेस 3 कार्टून बिलो जी, अच्छा जी से 3 कार्टून बिलो है, यानी कि जी देखो जी 1 कार्टून 2 कार्टून एंड 3 कार्टून, कुछ इसी तरीके से ये पूरा सेटअप रहेगा, तो देखो ये जो है यहाँ हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है एंड इसमें जो है यहाँ हो सकता है एंड यहाँ नहीं हो सकता, तो इसमें तो कंफर्म देखो मेरे को पता चल रहा है कि सी बी यहाँ होगा और जी यहाँ होगा,
और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी इसमें तो। ओके, इसमें जो है दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो एक बार थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, फिर यदि जरूरत पड़ी पड़ी पड़ेगी तो इसको और बना लेंगे। तो देखो, टू कार्टून्स आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में दो कार्टून है। तो देखो, यदि मैं इन दोनों को यहाँ सेट कर देता हूँ, बी और एफ को, बी और सी को, तो जी जाएगा यहाँ पे, फिर बी से एक छोड़कर जो है, सॉरी दो छोड़कर एफ भी मुझे लिखना है, तो फिर एफ आ जाएगा यहाँ। ओके, तो ये तो पॉसिबल है। और यदि बी और सी को यहाँ लिखता हूँ तो बी से दो छोड़ करके नीचे आ पाएगा फिर एफ यहाँ, है ना। तो ये तो कंफर्म है भाई, इसमें तो सब कुछ बैठा। अच्छा, एच इज़ प्लेस जस्ट अबो एफ, ये हो गया ना बात यहाँ पे, और ये हो गई गलत। देखो, ये जैसे पढ़ा पढ़ते ये पता चल गया ये तो गलत होगी। एफ आएगा यहाँ पे और एफ आ गया यहाँ पर, तो बी आएगा कन्फर्म दो छोड़ के, यहाँ पर आएगा बी, यहाँ पर आएगा सी, यहाँ पर आएगा जी, समझ रहे हो ना। ये वाली कंडीशन मैंने सेट कर दी, और जो बचा हुआ है ई वो आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये तो हो गया अपना पजल का अरेंजमेंट। तो देखो, अब इसके जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं वैसे भी, तो आप इनको कर लेना, मैं आगे चलता हूं जल्दी से, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखो, इसमें क्या कर रखा है अपने को, इसमें हमें बोला है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये हमें कोड कुछ बता रखे हैं, इनको अपने को पहले तो समझना है क्या होगा, और फिर जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। एक मिनट। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ ऑनेस्टली। तो इसको अपन इनिशियल जो इनके लिखते रहेंगे, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ ऑनेस्टली, एंड उसके बाद में यूथ जो है यहाँ पर वाई। ओके, यूथ अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑलवेज, यूथ अंडरस्टैंड, ओके, अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑलवेज, ऑलवेज जो है पहले भी आ चुका, तो इसके नीचे दो डैश लगा देंगे अपन। ऑनेस्टली वर्किंग, ऑनेस्टली जो यहाँ पर रहेगा, ऑनेस्टली वर्किंग के लिए डब्ल्यू लिखेंगे, एंड फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एंड थिंग जो है ट्रूथ। अच्छा, ये देखो ट्रूथ है, अब थिंग टी का जो है ये रिपीट हो रहा है ना, टी इसमें टी में ये रिपीट हो रहा है, तो इसको आप देखो, इसको आर बना दो, इसको टी एच लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे देखो लास्ट वाला ट्रूथ, ट्रूथ तो यानी ट्रूथ बनेगा इस जगह, ट्रूथ वर्किंग यूथ यूज्ड, वर्किंग यूथ ये अंडरस्टैंड था, ये वाला अंडरस्टैंड है। ओके, तो यहाँ पर देखो यू भी अब रिपीट हो रहा है, तो यू एस ई लिख देते हैं इसे, ठीक है। तो यूथ, अब यूथ देखो पहले आया ना, ये रहा यूथ, ओके, तो इसके नीचे लगा देंगे। अब ये किस तरीके से हुआ समझ गए होंगे आप, ठीक है, जो जहाँ रिपीट हो रहा है उसके नीचे मैंने साइन लगा दिया। तो अब ये तो हो गया इनकी जो है जो वर्ड्स है उनको, अब अपन कोड को भी इसी तरीके से लिखेंगे। पहले सबसे फर्स्ट जो लाइन है एम जे सी टी, एंड उसके बाद में अब देखो नेक्स्ट वाले में टी, यहाँ पे टी आर है, यहाँ पे टी आर है, यहाँ पे टी वाई था, तो ये दोनों अलग अलग है, ये टी आर है, ये टी वाई है, अलग अलग से लिखेंगे। देखो यहाँ यहीं से पता लग जाएगा कितने जो है यहाँ पे कितने, ये जो सेकंड लाइन है ना, इसमें लाइन यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो लाइन बनाने की जरूरत नहीं है वैसे। तो टी एंड उसमें जो है कितने रिपीट हुए थे, वन। अब देखो टी एच एम आर, टी एच एम, एम होना चाहिए जरूर से, तो एम पे लगा देते हैं। अब जो बाकी बचे हुए उनको एज इट इज लिख दो, टी एच एम उधर चला गया और आर। आगे देखो जे वाई, जे टी एच एफ, जे टी, जे देखो यहाँ पर है, और इसमें कितने रिपीट होंगे, टू होंगे, तो एक तो जे हो रहा है, टी टी कौन से वाला, टी वाई वाला है, ठीक है, तो जे और टी जो रिपीट होने वाले वो तो हो गए, तो एच और आर, एच जे देखो पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि एच रिपीट हो रहा है, और ये है एच बी, ठीक है, और एफ को भी लिख देते हैं। लास्ट वाले में देखो केवल एक ही अलग आएगा, बाकी सभी जो है रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखो क्या अलग, सी एन, ओके सी एन, एक तो सी एन है, एंड के टी, के टी शायद अपने पास अभी तक नहीं आया, के टी अलग हो जाएगा, और बाकी जो है एच जे, ये रहा एच जे, एंड आर पी, आर पी यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो इतना लिखने के बाद में ना, अब अपने जो ये कोड है ये सारे आसानी से निकल जाएंगे। कैसे, देखो यूथ का कोड क्या होगा, यूथ कहाँ लिखा अपने, ये रहा यूथ, ओके, तो यूथ में, यूथ जो है, यूथ फर्स्ट और फोर्थ में जो मैच हो रहा है वो वाला है, तो फर्स्ट और फोर्थ में जो है मैच, देखो यहाँ पे कौन सा हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है फर्स्ट, सॉरी ये है फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, इसमें भी देखो इसी हिसाब से फर्स्ट सेकेंड, ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं बनी है, ठीक है ना, जो यूथ कौन से वाले में, सेकंड और जो फोर्थ में मैच हो रहा है ना वो वाले, तो सेकंड और फोर्थ में ये वाला मैच हो रहा है, यानी यूथ का कोड क्या है, आरपी है, ठीक है, इसमें हो जाएगा आरपी। आगे देखो इसका कोड भी बताना है, ऑलवेज वर्किंग ट्रूथ, ऑलवेज वर्किंग और ट्रूथ, ठीक है, तो ऑलवेज का कोड देखो क्या है, एम, ठीक है, एम एम वाला होगा, और वर्किंग ट्रूथ का कोड क्या है, ट्रूथ का कोड जो है फर्स्ट और लास्ट वाला, फर्स्ट और लास्ट सी में मैच हो रहा है, सी, ठीक है, एक मिनट, ट्रूथ का वैसे कोई बात नहीं है, और वर्किंग का जो है थर्ड और फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ में एच जे, तो इसका होगा एच जे, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो
एक मिनट आगे देखो क्या कह रखा है इसमें, कोड दे रखा है, इस पर कोड दे दिया और जो है वर्ड्स पूछे। तो एच बी देखो कहाँ है, एच बी एंड एफ जे, एच बी एंड एच, ये रहा एच बी, एच बी से नीचे कोई भी मैच नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ देखो जिससे नीचे कोई भी मैच नहीं हो रहा है, ये है यू। तो एक तो यू सा यू से क्या था अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड एफ जी, एफ जी भी देखना है, तो एफ जी कहाँ पे था, एफ जी ये वाला था, एफ वैसे भी एक ही जगह है, ठीक है ना, तो इससे नीचे कुछ भी नहीं है, तो ऐसा देखो थर्ड लाइन में ऐसा कुछ देखो जिसके नीचे कुछ भी नहीं हो, तो ये रहा थर्ड लाइन, इसके नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो टी एच, टी एच से क्या बनाया था यहाँ पे थिंग्स, तो थिंग्स इनका कोड क्या होगा, इनके सॉरी इनके वर्ड्स क्या होंगे, अंडरस्टैंड थिंग्स, ओके तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है इसमें, क्या दिया हुआ, सेवन स्टूडेंट्स, ये सभी स्टूडेंट्स हैं, एंड स्टडीड इन सेवन डिफरेंट क्लासेस अमंग सिक्स, ये सभी क्लासेस दी हुई हैं, थ्री डिफरेंट स्कूल, ये स्कूल दी हुई है, सेवन स्टूडेंट और थ्री ही स्कूल दी हुई है, एटलीस्ट टू बट नॉट मोर देन थ्री स्टूडेंट स्टडीड इन द सेम स्कूल, कम से कम तो दो होंगे और तीन से ज़्यादा होंगे नहीं, ठीक है, नॉट मोर देन थ्री, तीन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो इतने बच्चे जो है वहाँ पे, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ टू टू थ्री, ठीक है, इतने स्टूडेंट होने चाहिए, दो से कम भी नहीं होंगे, तो स्टडी इन द सेम स्कूल, फॉलोइंग आर द फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देम, आगे उनसे रिलेटेड ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एस स्टडी इन सेवन, तो देखो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर ना, इनके लिए क्लास लिख लेते पहले, क्योंकि क्लास फिक्स्ड है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है इनकी क्लास लिख देता हूँ, सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ एलेवन एंड ट्वेल्व, ये सभी उनकी इनकी क्लास है। अब देखते हैं डेटा क्या दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एस स्टडीड इन सेवन्थ, एस जो है सेवन्थ में आएगा, ठीक है, ऑफ देव स्कूल, ठीक है, देव स्कूल विथ वन हु स्टडीड नाइन्थ क्लास, ठीक है, तो ये देव स्कूल में पढ़ता है एंड नाइन्थ वाला भी जो है देव स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, ये हो गया। आगे कह रखा है टी स्टडी इन इलेवेंथ, टी जो है इलेवेंथ में आएगा, टी इलेवेंथ में पढ़ता है, नाइदर क्यू और आर स्टडीड इन टी वी एस TWS, तो Q और R जो है किस में नहीं होंगे, TWS में नहीं होंगे, TWS में नहीं होंगे, वन ऑफ द स्टूडेंट Xavier स्कूल स्टडीड इन टेंथ, अच्छा टेंथ में कौन होगा, Xavier वाला होगा, ठीक है, उसके बाद में ओनली टी एंड द वन हु इन ट्वेल्थ स्टडीड इन द सेम स्कूल, अच्छा ये जो है ना ट्वेल्थ वाला, ये जो ट्वेल्थ वाला है इसकी और इसकी किसकी स्कूल, इन दोनों की, देखो टी अपन ने ऑलरेडी लिख रखा ना, इन दोनों में सेम स्कूल होगी, एसएस लिख देता हूँ, सेम स्कूल, ठीक है। आगे है ये यहाँ तक हो गया, दैट इज, अच्छा दैट इज टी डब्ल्यू एस, ये भी दे दिया ना, तो इससे तो क्लियर ही हो गया कि इसकी क्या होगी, टी डब्ल्यू एस ही होगी और इसमें भी टी डब्ल्यू एस ही होगी। चलो जी, अब पी स्टडीड इन नाइन्थ क्लास, पी जो है नाइन्थ क्लास में आएगा, एंड यू स्टडीड इन एट्थ क्लास, यू स्टडीड इन एट्थ क्लास इन Xavier, तो यहाँ पर होगा Xavier, ठीक है, विद द वन हु स्टडीड इन सिक्स, तो किसके साथ, जो कि सिक्स में पढ़ा है, यानी Xavier वाला भी यहीं पे होगा, ठीक है, Xavier इसमें भी होगा। आगे कह रखा है आर डज नॉट स्टडी इन टेंथ, आर टेंथ भी नहीं होगा, ओके, और आर टी टी डब्ल्यू एस के साथ भी नहीं होगा, यानी आर यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, तो आर तो यहीं आएगा, और क्यू जो है क्यू टी डब्ल्यू एस के साथ नहीं होगा, यानी क्यू भी यहाँ नहीं आएगा, तो क्यू यहाँ पे आएगा। अब जो बचा हुआ है कौन बचा हुआ है देख लो, इसमें जो भी बचा हुआ है वो यहाँ पर हो जाएगा, देखो जैसे वी रह गया शायद, है ना, तो वी यहाँ पे हो जाएगा, ये फाइनल सॉल्यूशन। अब जो इसके क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट पजल, देखो इसमें क्या कर रखा है, टेन पीपल, ये सभी नेम दे रखे, आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट ओरिजोनटल रो फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, तो ये जो है ये 10 पीपल है और ये सभी नॉर्थ की डायरेक्शन, सॉरी नॉर्थ फेस कर रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में हो। आगे करके ई सिट्स एट एंड ऑफ वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो ई जो है एंड पर है, वन टू थ्री फोर फाइव, देखो थ्री थ्री सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है 10 हो गए ना टोटल, और एक और बना लेते हैं, एक मिनट ओनली फोर, चलो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आगे कुछ ऐसा कह देता ना कि ये लेफ्ट में है राइट में, तो देखो थ्री थ्री सिक्स सेवन एट नाइन और ये वन खुद 10 हो गया, ओनली 4% सिट बिटवीन ई एंड एल, 4% है बिटवीन में, एल यहाँ पे आएगा, इधर भी 4% बनाने बीच में, तो ये एल हो जाएगा इस जगह, ठीक है ये हो गया एल। आगे देखते हैं एफ सिट एट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, सेकंड टू द लेफ्ट में होगा एफ, ठीक है और यहाँ पर आएगा एफ, इसमें बाद में बोल रखा है जे इज इमीडिएट नाइबर ऑफ एफ, जे जो है इमीडिएट नाइबर है, जे या तो यहाँ होगा, ठीक है, और इसमें जो है जे इन दोनों में से कहीं एक जगह होगा, ओके, ओनली 3% सिट बिटवीन एन एंड के सच दैट के इज नाइदर इमीडिएट नाइदर नाइबर ऑफ एफ और ई, के जो है कितने परसेंट बैठे हैं, 3% बैठे हैं, थ्री एन और
N3K, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। और जो K है वो किसका नाइबरनी है, F और E दोनों का ही इमीडिएट नाइबरनी है, यानी कि K जो है यहाँ पर भी नहीं आएगा, K यहाँ पर भी नहीं आएगा, K यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो K यहाँ पर इन चारों में से कहीं एक जगह हो सकता है K, ठीक है। इन चारों में भी देखो कहाँ कहाँ हो सकता है, दो तीन छोड़ करके जो है इसको के एन को बिठाना है, तो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ हो सकता है एंड यहाँ पर भी नहीं हो सकता क्योंकि तीन छोड़ के जगह नहीं है। इन दोनों जगह पे कौन हो सकता है, के हो सकता है। ओके, अब इसमें भी देख लेते हैं, देखो एफ का इमीडिएट नाइबर नहीं है, ओके, और यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि तीन छोड़ के फिर जगह नहीं है, ठीक है। एंड ई का भी इमीडिएट नाइबर नहीं है, तो यहाँ पर हो सकता है कि देखो तीन छोड़ के जगह है, ठीक है, तो यहाँ के आ सकता है, यहाँ जो है नहीं आ सकता क्योंकि तीन छोड़ के जगह नहीं है। यहाँ यदि होता है तो तीन छोड़ के जगह इधर तो नहीं है लेकिन इस तरफ जगह दिख रही है, ठीक है, तो के यहाँ दोनों ही जगह के हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हमने एक बार नोट डाउन कर लिया, एक मिनट एक मिनट, ये वाला तो इरेज नहीं कर सकते ना क्योंकि तीन छोड़ के एन भी लिखना है। तो यहाँ तक हो गया, आगे देखो आई एंड जी आर एडजेसेंट टू ईच अदर, आई एंड जी जो है एडजेसेंट है, जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, जी जो है सेकेंड लेफ्ट में है एच के, और उसका इमीडिएट नाइबर कौन है, आई है। एच हु सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एच जो है एंड पर है, मतलब पक्का इसी एंड पर होगा, देख लेते हैं एक बार काउंट कर लेते हैं, 3 3 10 पूरे हैं और इसमें जो है एच यहीं पर आएगा, एंड एच का इमीडिएट नाइबर कौन है, सॉरी एच का नहीं है, एच का नहीं है, जी का है, तो यहाँ पर हो जाएगा जी, और इसमें जो है देखो जी के लिए जगह ही नहीं बची, जी के लिए जगह नहीं बची मतलब ये कंफर्म गलत हो गई। इस वाली कंडीशन को अपन रिमूव कर देते हैं, अब इस वाली को तो रिमूव कर देते हैं, अब दूसरे वाले को ही कंटिन्यू करेंगे। तो देखो जी यहाँ है, एच एक छोड़ के एच तो कर दिया, अब इसको हटा देता हूँ मैं, जी का इमीडिएट नाइबर आई होगा एक कहीं। आगे बोला है आई सिट टू द राइट ऑफ के, आई जो है ना के राइट में बैठता है, तो के यहाँ पे आएगा, आई यहाँ पे आएगा फिर, ठीक है, इसको हटा देते हैं अब। ओके, एंड उसके बाद में देखो एन और के बीच में तीन पर्सन भी होने जरूरी थे, तो के की जब फिक्स हो गई तो तीन बंदे छोड़ करके एन आ जाएगा यहाँ और जे आ जाएगा यहाँ पे, और जो जो रह गया देख लो कौन रह गया, वो जो है यहाँ पर आ जाएगा, कौन है इसमें, एम रह गया शायद, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, तो आप इसके क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है, सिक्स रोप, ये सिक्स रोप अपने को नेम बता रखे हैं, आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, रोप के इज इमीडिएट शॉर्टर देन एल, के जो है इमीडिएट शॉर्टर है एल से, ठीक है, के जो है वो इमीडिएट, एक मिनट, के जो है इमीडिएट शॉर्टर है एल से, तो ये यहाँ ऐसे होगा और कोई इनके बीच में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। रोप एन इज शॉर्टर देन ओनली रोप ओ, ओके, एन जो है वो केवल ओनली ओ से ही जो है शॉर्ट है, तो बाकी सबसे ये बड़ी होगी, तो ओ फिर एन और बाकी सबसे ये बड़ी है, कितने टोटल सिक्स है ना, तो ये बना देते हैं, सिक्स हो गया अरेंजमेंट सिक्स का। रोप के इज नॉट द शॉर्टेस्ट, के जो है यहाँ नहीं होना चाहिए, के इस जगह नहीं होगा, ओके। रोप एम इज लॉन्गर देन के, एम जो है लॉन्गर है, लॉन्गर है एम, देखो एम जो है ना लॉन्गर है के से, तो हमें पता है कि के से लॉन्गर एल भी है और एल से भी फिर वो लॉन्गर होगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ। और यहाँ से तो फिर अपना कन्फर्म हो गया कि ये तीनों जो है इसी जगह पर बैठेंगे, क्यों, देखो हमें एम को बड़ा बनाना है, ठीक है, और एल भी लिखना है और के भी लिखना है। अब देखो के यहाँ तो आ नहीं सकता, तो फिर के यहाँ लिखेंगे तभी तो ये तीनों सब सेट हो पाएंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड लॉन्गेस्ट रोप, तो थर्ड लॉन्गेस्ट देख लो कौन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, तो थर्ड कौन होगा इसमें, एम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका इसका आंसर जो है एम होगा अपना। इसमें बोल रखा है हाउ मेनी सच न्यूमेरल्स आर देयर इन दिस नंबर विच विल रिमेन एट द सेम पोजिशन वैन डिजिट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर देखते ही आपके दिमाग में ये वाली इमेज बन जानी चाहिए, ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अच्छा देखो अब असेंडिंग तो दे रखा है लेकिन यहाँ आगे एक और कंडीशन बोल दी, खाली असेंडिंग ही बोलता ना तब तो मैं यही बनाता, लेकिन इसने कह दिया कि राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट यदि असेंडिंग होगा ना तो इसको इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। अब हमें नंबरों को कुछ इस हिसाब से अरेंज करना है और ये सारे नंबर है, तो देखो इसको, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा अरेंज करना ही पड़ेगा अपने को, 2 3 8 7 6 9 8, ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं, 4 एंड 4 8, अच्छा कुछ रह गए इसमें, 6 रह गए इस जगह, ठीक है, 6 9 8। तो देखो इधर सबसे छोटा 2, फिर 3, फिर 4 5 नहीं है, 6, ठीक है, 6 के बाद में 6 एक ही है, 7 एंड 8 8 8 एंड 9, ये हो गया। तो यहाँ पर जो है ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, एक यहाँ पर ये दोनों 8 भी रिपीट हो रहे हैं, और तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पर जो चार जो ऐसे नंबर है जो कि रिपीट हो रहे हैं इसमें, ओके, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो अब जल्दी से इनको भी खत्म कर देते हैं। ओनली ए फ्यू सी वन
ओनली इफ यू सी वन इज सी टू, ठीक है, ओनली बोला है तो ऐसे हो जाएगा, ओनली इफ यू, ओके, तो यानी ये जो ये वाला पार्ट जो है ना वो नहीं जाएगा इसमें, ओके okay? आगे बोल का ओनली टी टू इज थ्री टी थ्री, टी टू इज टी थ्री, तो देखो ओनली केवल ओनली बोला है, ठीक है ना, यहाँ ओनली इफ यू बोला था, केवल ओनली बोला है, इसका मतलब ये जो है ना ऐसे याद रखा करो, जो बाद वाला है ना उसको कोई भी टच नहीं करेगा और वो अंदर रहेगा पहले वाले के, ठीक है, समझ गए, तो बाद वाला अंदर रहेगा पहले वाले के और इसको कोई भी टच नहीं करेगा, चाहे तो आप ना इस तरीके से कुछ मार्किंग कर लो इसको अलग से, सम सी वन इज सी सिक्स, सम सी वन जो है सी सिक्स है, अब आगे वाला कंक्लूजन देखो, सम टी टू इज नॉट सी एस सिक्स, कुछ टी टू जो है टी टू ये क्या नहीं है, सी सिक्स नहीं है, तो देखो हमें पता है कि ये इतना जो हिस्सा ना ये वाला ये कहीं पर नहीं जाएगा, तो ये बात तो सही होगी कि ये वाला जो हिस्सा है वो इसमें नहीं जा सकता, तो सम टू टी टू इज नॉट एस सिक्स, ओके, आगे कह रखा है सम टी थ्री कैन बी एस सिक्स, तो कुछ जो थ्री है वो एस सिक्स में हो सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये किसी में नहीं जाएगा, ये वाला पोर्शन किसी में नहीं जा सकता, तो ये गलत हो गया, ओके, तो आपका इसमें जो है फर्स्ट वाला जो कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यू एयर इज मेल, इसको सम ही माना करो आप, ठीक है ना, फ्यू ये नाम नए नए दे देगा, कोई कन्फ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ पर सम एयर सर इज मेल, तो सर इज मेल, आगे है ओनली फ्यू मेल इज फ्रेंड, ओनली फ्यू, ओनली और फ्यू दोनों चीज़ें साथ में आ गई ना, तो यहाँ पर अपने को ये वाला साइन भी बना देना है, ठीक है, ऐसे डॉट लगाएंगे और ऐसे कर देंगे, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जितनी दूर में मैंने डॉट लगाया ना वो हिस्सा इसमें टच नहीं होगा, बाकी सब कुछ टच हो सकता है, ठीक है, जितना डॉट लगाया वो हिस्सा इधर नहीं आना चाहिए, तो ओनली फ्यू मेल इज़ फ्रेंड, ठीक है, ओके, एटलीस्ट सम फ्रेंड इज क्लोज, एटलीस्ट सम फ्रेंड इज क्लोज, तो यानी इसको समझ समझो, ठीक है, कुछ जो फ्रेंड है ये इसका कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं है, सम फ्रेंड इज क्लोज, सम फ्रेंड इज क्लोज, चलो हो गया, आगे सम मेल इज नॉट फ्रेंड, सम मेल इज नॉट फ्रेंड, सही है क्या, देखो इसमें पूरे में मेल इतने, ये पूरा मेल है, इसमें से ये वाला जो मेल है ना जहाँ डॉट लगा ये इतना पार्ट एफ में नहीं जा सकता, और यहाँ पर भी ये लिखा है कि सम मेल इज नॉट फ्रेंड, तो सही बात हुई है, तो ऑल क्लोज कैन बी सर, ऑल क्लोज कैन बी सर, तो देखो ये रहा क्लोज, सारे क्लोज जो है सर हो सकते हैं क्या, तो ये तो हो सकते हैं क्योंकि ये इधर जा सकता है ना, तो ये भी सही है, ठीक है, तो इसमें जो है दोनों ही सही होंगे, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखो 58 क्या कर रखा है, मोस्टली प्लॉट, मोस्टली मतलब बस मोस्टली में भी सम वाली कंडीशन है, ठीक है, ओके, सम प्लॉट इज हाउस, सम प्लॉट इज हाउस, आगे क्या रखा, ओनली हाउस इज क्राफ्ट, तो देखो मैंने क्या बताया था, जब केवल ओनली लिखा है, ओके, एक तो होता है ओनली फ्यू, ओके, और एक होता है ओनली, तो ओनली वाले में तो जो बाद वाला होता है, ठीक है, यहाँ पे हमेशा दो कुछ ना कुछ दिए रहेंगे, तो जो बाद वाला होगा वो पहले वाले के अंदर रहेगा और किसी में भी जाएगा नहीं, ये किसी में भी नहीं जाएगा, ठीक है ना, ये स्पेशल हो गई, और ओनली फ्यू जब साथ में जुड़ जाता है तो उसमें वो डॉट लगा देते, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, चलो अब इसको कर देते आगे, ओनली हाउस इज क्राफ्ट, तो ओनली हाउस इज क्राफ्ट मतलब क्राफ्ट इसके अंदर आएगा और ये क्राफ्ट जो है कहीं नहीं जाएगा, नो प्लॉट इज लैंड, नो प्लॉट इज लैंड, नो नो का मतलब इसमें कोई भी जो है इससे लिंक नहीं होना चाहिए, आगे देखो अब इसका कंक्लूजन क्या दिया हुआ, नो क्राफ्ट इज लैंड, नो क्राफ्ट इज लैंड, सही बात है क्योंकि क्राफ्ट मुझे पता है कहीं पर नहीं जाएगा, तो ये तो बात सही हो गई, ऑल हाउस कैन बी लैंड, ऑल हाउस कैन बी लैंड, देखो ऑल हाउस तो नहीं हो सकते लेकिन क्यों क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये नहीं जा सकता, बाकी तो सब कुछ जा सकते हैं लेकिन ये वाला नहीं जा सकता, इसलिए ये जो है गलत हो गया, ओके, तो इसमें जो है केवल फर्स्ट वाला ही सही होगा, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब यहाँ पर अपने को ये जो है अल्फा न्यूमेरिक दिया हुआ है यहाँ पे, ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है, तो देखो ये अपने को अल्फा न्यूमेरिक दे रखा है और यहाँ पर इस पे बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन है, तो इसमें बोला इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड, फॉलोड का क्या मतलब होता है, जस्ट अगले वाला, जैसे ये नंबर है, ठीक है, फॉलोड का मतलब आगे और प्रेसिडेंट का मतलब पीछे, बाय एन ऑड नंबर, तो क्या देखना हमें, फॉलोड और प्रेसिडेंट किससे, ऑड नंबर, ऑड नंबर, और किसकी बात हो रही है, किसके लिए बोल रही है, सिंबल, सिंबल जो है सिंबल के पहले भी ऑड और बाद में भी ओड, ऐसा होना चाहिए, ओड सिंबल ओड, तो यहाँ पर मैं सिंबल निकालूंगा पहले और उसके बाद में देखूंगा कि उनके उसके आगे पीछे जो है ओड नंबर है क्या, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखो अभी शायद आपको सही से दिख रहा होगा और भी, ओके, तो देखो ओड नंबर सिंबल देखना पहले, लेकिन ओड नंबर भी होना चाहिए, ये नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पर जो है एक तो ये रहा, ठीक है, एक तो ये रहा, इसके बाद में आगे जो है यहाँ पर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है, तो इसमें तो केवल वन ही बनेगा इस हिसाब से, ठीक है, तो ओनली वन ही इसका आंसर हो जाएगा, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर बिटवीन इक्वल एंड एंड, तो इक्वल का साइन ये रहा और एंड देखो ये रहा, ठीक है, इनके बीच के जो नंबर है उनका सम बताना है, ठीक है, तो हो जाएगा देखो 14, 16, 19, 19 और 17,
सॉरी 27, ठीक है, तो 27 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखा, इफ ऑल द इवन नंबर आर ड्रॉप फ्रॉम द अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट इन द गिवन अरेंजमेंट। सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड सेवन्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड, एक मिनट एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सॉरी टू ऑफ द, यहाँ पे ऑफ नहीं पढ़ा मैंने, तो सिक्स पहले देखो ऐसी कंडीशन होती है ना तो उल्टा स्टार्ट करेंगे। पहले बात तो ये कि इसमें अपने को इवन छोड़ देने सारे, है ना, और उल्टा स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, तो सेकेंड एलिमेंट इवन वाले छोड़ दिया अपने, फर्स्ट छोड़ दिया, एक सेकेंड रुको, सेकेंड देखते इसमें देखो, सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, सेकेंड कौन सा है इसमें, लेफ्ट से सेकेंड, लेफ्ट ये है और सेकेंड एलिमेंट ये होगा, ओके okay, एंड उसके बाद में बोल रहा है सिक्स्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ, अब इसके भी इसका सिक्स्थ राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सिक्स्थ राइट पे क्या बन रहा है, अच्छा एक सेकंड, ये अपने इवन नंबर ड्रॉप कर दिया ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर, इस वाले का आंसर क्या होगा, लेस देन। व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर बिटवीन क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन, एक मिनट ये कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें शायद, ठीक है, क्वेश्चन मार्क एंड ये पावर, क्वेश्चन मार्क और पावर के बीच में जो है कितने जो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन बताता है, देखो कहाँ कहाँ है, ये रही पावर एंड ये रहा क्वेश्चन मार्क, इनके बीच में मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 54 एंड 0, तो 0 आ जाएगा, बस यहाँ पे 0 दिखती तो 0 ही होगा इसका आंसर, ओके। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज फोर्थ नंबर टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज सेवन फ्रॉम लेफ्ट, तो देखो इसमें हमेशा मैं कहता हूँ कि उल्टा स्टार्ट किया करो, तो सेवन फ्रॉम लेफ्ट एंड, अब इसमें कुछ स्किप तो करना ही नहीं है ना, तो सेवन्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड, 3, 3, 6 एंड 1, 7, ये हो गया सेवन्थ लेफ्ट एंड से, अब आगे है फोर्थ टू फोर्थ नंबर राइट, फोर्थ नंबर इसी के फोर्थ नंबर राइट में चले जाओ, वो क्या है, एक मिनट, नंबर के लिए बोला था क्या इसने, फोर्थ नंबर राइट टू द एलिमेंट, एलिमेंट देखो ये पहले तो एक जगह बोल रहा है एलिमेंट, एक जगह बोल रहा है नंबर, तो पहले तो अपन ने देखा एलिमेंट, एलिमेंट में मतलब सभी कुछ आ जाएगा जो भी है, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा अब देखना अपने को फोर्थ नंबर, तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फोर्थ जो नंबर है वो 3 होगा, इसका आंसर क्या होगा, 3, ठीक है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन वर्ड, ये जो भी जो वर्ड दिया इन सच वे दैट, ये अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रखा है, आगे पीछे यदि काउंट करेंगे तो कितने अल्फाबेट जो है सेम अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे, पहले भी अपन ने किया हुआ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, 1, 22, 25 एंड उसके बाद में जो है 4, 21 एंड 20 एंड 25, ये 25 है, ठीक है, तो अब इसको चेक कर लेंगे, तो 8 के बाद में देखो, 8 से यदि मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है ना, 8 से तो कुछ भी जो है दिख नहीं रहा, देखो, और 8 यदि ये हो गया 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कुछ भी नहीं है, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बनेगा क्योंकि ये सारे बड़े नंबर है ना, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये भी सारे 1, 2, 3, 4 ये बन रहा है एक तो, और 22, 23, 24, 25, 26, 20 नहीं है, 25 से भी नहीं है क्योंकि आसपास का कोई नहीं है, है ना, और ये भी 21 से भी नहीं है, 20 से भी नहीं है, अच्छा ये देखो ये कीरा, ओके ऐसा बन रहा था, अब 25 से भी नहीं होगा, इधर 20 से अपन ने ये देख लिया, और इधर आगे यदि चले 22, 23, 24, 25 ये भी नहीं है, आगे कहीं कुछ भी नहीं है, 4 से भी नहीं बनेगा क्योंकि ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा दूर है, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है ना, 25 ये नहीं बनेगा, आगे कोई है ही नहीं, और ये 22 से भी नहीं है क्योंकि इनके मैच खाता सा मतलब मैच मैचिंग करता सा कुछ है ही नहीं, ये भी नहीं है, आगे इनका भी नहीं बनेगा, तो ओनली 2 ही जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60 ये देखते हैं इसमें क्या दिया, दे रखा है सम वैन इज कार, ऑल कार इज पॉलिश, और कार इज पॉलिश, सम कार इज नॉट वैन, सम कार इज नॉट वैन गलत, ठीक है, ऑल कार कैन बी वैन, ऑल कार कैन बी वैन, ठीक है ये हो सकता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ओनली सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या दे रखा, ओनली इफ यू मून इज फर्स्ट, ठीक है, ओनली ओनली दे रखा है ना, तो ये वाला बनाना पड़ेगा अपने को। आगे है मोस्टली, मोस्टली का मतलब समी है, ठीक है, मोस्टली का मतलब समी है, सम फर्स्ट इज ब्लैक, सम फर्स्ट इज ब्लैक, तो कुछ जो सम फर्स्ट है वो ब्लैक है। आगे देखो कंक्लूजन क्या है, सम फर्स्ट इज नॉट मून, सम फर्स्ट इज नॉट मून, तो देखो
कुछ ये वाला जो मून का हिस्सा ना, ये फर्स्ट में नहीं जा सकता, लेकिन फर्स्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फर्स्ट का कोई भी हिस्सा जो है मून में नहीं जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा फर्स्ट जो है ना मून में जा सकता है, लेकिन ये कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता, तो ये खुद ये जो है गलत बोल रहा है। ऑल फर्स्ट कैन बी मून, ऑल फर्स्ट कैन बी मून, हाँ ये बात ठीक है। ओके तो इसमें जो है सेकंड वाला ही सही होगा केवल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें। देखो देयर आर सेवन मेंबर, ये सभी मेंबर है ऑफ ए फैमिली, देयर आर एक मिनट, देर आर थ्री जनरेशन इन फैमिली, तो सेवन मेंबर है और थ्री जनरेशन, नो सिंगल पेरेंट इन फैमिली, यानी पेरेंट्स यदि एक फादर है तो मदर भी होगी, ठीक है इस तरीके से है। तो एल इज ब्रदर ऑफ के, एल इज ब्रदर ऑफ के, ठीक है, के हु इज द मदर ऑफ एन, के हु इज द मदर, ठीक है। अब देखो मदर है ना, मदर है इसका मतलब ये मैरिड है, ठीक है, और ये जो है इसमें मैरिड शो करना है अपने को, मदर ऑफ एन। ओ इज जे सन इन लो, ओ जो है वो क्या है, जे का सन इन लो, सन इन लो का मतलब ये हुआ उसकी कोई डॉटर होगी, किसकी, जे की, ठीक है, और जे ओ जो है उसका हस्बैंड है, ठीक है, जे सन इन लो। एंड आई इज द फादर ऑफ के, आई इज द फादर ऑफ के, अच्छा के का फादर कौन है, आई है, डन। एम इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ जे, तो इससे मेरे को ये भी पता चल गया कि ये जो है ना ये फर्स्ट जनरेशन में होगा, ठीक है, तो एम जो है लास्ट वाली जनरेशन में होगा, और ओ जो है ओ को हमें ओ मैरिड है तो ये यहीं इसी में हो पाएगा, ठीक है, और ये जो है इसका ब्रदर हो जाएगा, ब्रदर या जो भी है, यहाँ पे इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये देखो कितने हो गए, अच्छा इसमें कौन रह गया, जे रह गया, तो जे जो है इसकी वाइफ होगी, ठीक है, जे इसकी वाइफ हो जाएगी, तो 2, 4, 5, 6, 7 हो गए, इनका क्लियर नहीं था कुछ भी है ना, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है ना, नहीं आया, चलो तो ये फाइनल जो है अपना ट्री बन जाएगा, फैमिली ट्री। देखते हैं अब आगे, देखो इसने क्या बता रखा है क्वेश्चन जो है, देखो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये दो ही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो पहला क्वेश्चन है हाउ आई इज रिलेटेड टू एम, आई जो है एम से कैसे रिलेटेड है, तो देख लेते हैं इसमें, आई जो है एम की, एम का क्या ग्रैंडफादर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है क्या दे रखा है, एल रिलेट कैसे है ओ से, तो एल देखो कैसे रिलेट है, एल जो है उसका ब्रदर इन लो है, ओके तो इसमें ब्रदर इन लो हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, देखो फोर जो है इनमें से, इन पांचों में से फोर जो है कोई एक जैसा ग्रुप बना रहे होंगे, तो जो अलग है उसको निकालना अपने को, तो देखते देखो डी इनके ना ऐसे वाले क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आप नंबर प्लेस वैल्यू से चेक कर लिया करो, ठीक है, उससे थोड़ा इजी हो जाता है। ओके तो डी एच ओके एंड यहाँ पर जो है सी जी, सी होता है 3 पे, ये 7, डी होता है 4 पे, ये 8, और ये होता है 20, ये होता है 16, ये होता है 20 एंड ये 14, ये कुछ कुछ दिख रहा होगा आपको, इतना तो समझ में आने लग रहा है ना, एंड ये 18, 7 और 11, ये तो चलो 4-4 का है। आगे इसमें देखते हैं इन दोनों लास्ट वालों में, तो ये है 12 और O कितने पे होता है, O 1, तो देखो L 12 पे, O जो है होता है 15 पे, ठीक है, इसमें K जो है कितने पे, 11 और ये 14, ठीक है, एंड यहाँ यदि देखें तो इसमें पहले 4 का, फिर 4 का, फिर 3 का, पहले 4 का, फिर 4 का, फिर 3 का, ठीक है, ये पैटर्न बन रहा है ना, क्लियर हो गया इन दो को देखने से, तो आगे और देखते हैं, लेकिन ये 24 का और लास्ट वाला है 25 का, तो यहाँ ये गड़बड़ लग रहा है मुझे। ओके कैसे, क्योंकि इसमें जो है ना यहाँ पे 1 का ही गैप हो रहा है, देखो पहले 11 फिर 24, ये भी यहाँ पर भी मैच नहीं हो रहा है, 16 है, सॉरी ये 16 था, सॉरी ये यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 4 का है, लेकिन यहाँ पर 1 का आगे है ना, यहाँ दोनों में पैटर्न जो बन रहा है इसमें बन रहा है, शायद इन दोनों में भी बन जाएगा, आप इसी तरीके से चेक कर लेते हैं, चलो जल्दी से 22 एंड 25, तो देखो 4, 4, 3, ठीक है, बिल्कुल इसमें भी हो जाएगा, तो ये वाला जो है गलत है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखो ए मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग, तो देखो मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन होता है ना मैं इसको स्किप करना ही ठीक मानता हूं, क्योंकि इसमें ना इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, थोड़ा बहुत इधर उधर जो हो जाता है, तो इसलिए आप हो सके तो इस क्वेश्चन को फिर स्किप कर दीजिए, अदरवाइज आपकी चॉइस है आप इसे करें, क्योंकि मैं जहां ऑफलाइन क्लास में जब भी मैंने पढ़ाया स्टूडेंट्स को ये सजेशन दिया, क्योंकि देखो एक तो ये वाले क्वेश्चन
क्वेश्चन, एक क्रिटिकल रीजनिंग में ना, जो क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनको भी मतलब अपन 100% के साथ जो है नहीं जा सकते उनमें, ठीक है, तो थोड़ा वो डाउटफुल रह ही जाता है, तो इसलिए आप चाहें तो ये क्वेश्चन जो है स्किप कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। ओके, और कोई भी सजेशन है तो वो भी आप जो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और लाइक भी जरूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।